CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम राखी। इसका संकलन किया है प्रभुदयाल खट्टर ने। दोस्तों, तुमने ये गीत सुना? अच्छा बताओ तो, इस गीत में किस त्योहार की बात कही गई है? अरे वाह, तुमने तो एकदम सही बता दिया। हाँ, इसमें राखी के त्योहार की बात कही गई है। दोस्तों, इस त्योहार के बारे में तुम जरूर जानते होगे, क्योंकि इस दिन तुम नए नए कपड़े पहनते हो, मिठाइयां खाते हो, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तुम जानते हो राखी का मतलब क्या है? अच्छा, मैं बताता हूं। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, प्रार्थना करती है कि उसका भाई सदा सुखी रहे। राखी के दिन भाई कसम खाता है कि वो सदा बहन की रक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। अच्छा दोस्तों, अब हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक थी नन्ही मुनिया, वो गांव में रहती थी। मुनिया का कोई भाई नहीं था। जब राखी का त्योहार आया, तब मुनिया भी किसी को राखी बांधना चाहती थी। मुनिया के पड़ोस में हमीद रहता था। हमीद की कोई बहन नहीं थी। मुनिया हमीद के घर गई। मुनिया हमीद से बोली कि वो राखी बांधना चाहती है। हमीद ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मुनिया ने हमीद को राखी बांध दी। मुनिया को भाई मिल गया और हमीद को बहन मिल गई। देखा दोस्तों, हम राखी के दिन भाई भी बना सकते हैं, बहन भी बना सकते हैं। भाई, जिस तरह से राखी का त्योहार सुंदर है, उसी तरह से राखियां भी सुंदर होती हैं। किसी राखी में घड़ी बनी होती है, किसी में ताजमहल, किसी राखी में फूल बना होता है, किसी में रंगीन चमकदार तारे, तरह तरह की राखियां मिलती हैं। आया राखी का मनहर प्यारा त्योहार, आ भैया राखी बंधवा जा, खूब बड़ा हो भैया राजा। आ भैया राखी बंधवा जा, खूब बड़ा हो भैया राजा। आया आया राखी का मनहर प्यारा त्योहार, आया आया राखी का मनहर प्यारा त्योहार,
मैं हूँ तेरी प्यारी बहना, रक्षा मेरी तू ही करना। मैं हूँ तेरी प्यारी बहना, रक्षा मेरी तू ही करना। आया आया राखी का मनहर प्यारा त्योहार, आया आया राखी का मनहर प्यारा त्योहार, आया आया राखी का मनहर प्यारा त्योहार। अच्छा दोस्तों, एक और बात भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक थी रानी कर्मवती, उसके पड़ोस में एक राजा था हुमायूं। एक बार रानी कर्मवती की दुश्मनों से लड़ाई हो गई, रानी की सेना हारने लगी। तब रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजी, हुमायूं को भाई बनाया। हुमायूं ने तब रानी कर्मवती की सहायता की, रानी कर्मवती के दुश्मनों को मार भगाया। इस तरह राखी भाई हुमायूं ने बहन की मदद की। राखी के दिन तो घर में हुड़दंग मचा रहता है। बहन इसलिए खुश होती है कि भाई राखी बंधवाने के बाद उपहार देता है, पैसे देता है। भाई इसलिए खुश होता है कि बहन राखी बांधती है, साथ में मिठाई भी देती है। ओहो, मिठाई का नाम सुनकर तुम सब के मुंह में पानी भर आया। वाह वाह भाई, जलेबी का क्या मजा होता है, वाह वाह। और बर्फी, उसका तो जवाब ही नहीं। मोनिया तो एक दिन मिठाई खाकर मुझसे पूछने लगी, क्या राखी का त्योहार रोज नहीं आ सकता? है ना दोस्तों हंसी की बात। राखी का त्योहार तो साल में एक ही बार आता है, नन्हे दोस्तों के लिए लाता है रंग बिरंगी चमकदार राखियां और मजेदार मिठाइयां। क्यों दोस्तों, कैसा लगा राखी का कार्यक्रम? क्या कहा, अच्छा लगा? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम भी राखी का त्योहार मनाओगे? क्या कहा, हाँ भाई ये तो और भी अच्छी बात है। कल तुम नए नए कपड़े भी पहनोगे। भाई वाह,
बाजार से रंग बिरंगी राखियां भी खरीद कर लाओगे? अच्छा, और हाँ, मिठाई खाना तो तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्यों? अरे, मिठाई तुम चुपचाप माँ से मांग लेना। अगर माँ मिठाई आले में रख दे तो उसे उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी हालत भी पप्पू जैसी हो जाएगी। क्या कहा? कौन पप्पू? भैये, तुम इस गीत में ही सुन लो, तुम्हें पता लग जाएगा। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।